الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون الابد ما كان العبد في عون اخيه صحي مسلم قبل احترام صامين الكرام ابي منين جو حديث आपके सामने पेश की है इस हदीस के अंदर वाज तौर पर चार बातों का हमें इल्म होता है और अगर देखेंगे तो उन चारों बातों का ताल्लुक़ समाज और माशरे से है दरअसल हमारा मजहब मजहब इस्लाम तनाई की जिंदगी गुजारने से हमें रोकता है मना करता है हमारा मजहब हमें सिखलाता है कि हम इज्तमीत की ज़िंदगी गुजारें समाज और माशरे के अफराद से अपना ताल्लुक़ जोड़े रखें और जाहिर सी बात है जब समाज और माशरे से हमारा ताल्लुक़ होगा तो जहाँ बहुत सारे खैर हमसे होंगे वहीं पर हो सकता है कुछ कमियां भी हमारे अंदर पाई जाए मौजूद हों बहरहाल किस तरीके से इस हदीस के अंदर जो चार बातें हमें मालूम होती हैं उनका ताल्लुक़ समाज और माशरे से है उसे हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने किसी शख्स से दुनियावी तंगियों में से दुनियावी तकलीफ़ों में से और परेशानियों में से किसी भी परेशानी को दूर किया तो कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कयामत की परेशानी को दूर करेगा इस दुनिया के अंदर इंसानों को मुख्तलिफ तरह की परेशानियों का सामना होता है कभी इंसान गरीब है मजबूर है फ़कीर है मिस्कीन है उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा है आप उसके इलाज का इंतज़ाम करवा दीजिए कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्लमीन क़यामत की तकलीफ़ों से आपको महफूज रखेगा दूसरी बात अगर आपने किसी पर आसानी किया तो कल क़्यामत के दिन अल्लाह आलमीन हिसाब किताब के मामले में आपके लिए आसानी का रास्ता इख्तियार करेगा इस दुनिया के अंदर हम अपने भाई के लिए किस तरीके से आसानी पैदा कर सकते हैं इसका जवाब ये है आपके पास पैसा है आप अपने भाई के सिलसिले में जानते हैं उस पर यकीन है कि अगर वो मुझसे उधार लेगा तो फिर मेरा वो पैसा वापस कर देगा और आपसे उसने उधार लिया और एक मुद्दत का उसने वादा किया लेकिन उसके बाद वो पैसा नहीं अदा कर पा रहा है और आपको मालूम है वाक इसके पास पैसे नहीं हैं आप उसके लिए क्या पैदा कीजिए आसानी पैदा कीजिए मोहलत दीजिए कह दीजिए ठीक है मेरे भाई आपके पास आज नहीं पैसा है जब आपके पास पैसा होगा तब आप मुझे मेरा कर्ज वापस कर देना लेकिन इसमें यह एहतियात रखना चाहिए जिसे आप कर्ज दे रहे हैं वो शख्स सही हो ईमानदार हो झूठ ना बोल रहा हो और इसी तरीके से धोखा भी ना दे रहा हो इन चीजों का ख्याल रखें और उसके बाद आसानी पैदा करें कल क्यामत के दिन अल्लाह आलमीन आपके लिए आसानी पैदा करेगा तीसरी बात अगर आपने अपने भाई के अंदर कोई ऐब देखा कोई भी ऐब हो सकता है इंसान है से खाली नहीं है कोई भी इंसान ऐब से खाली नहीं है अगर आप ढूंढेंगे तलाश करेंगे तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब मिल जाएगा आपने देखा अपने भाई के अंदर कोई ऐब है अब आप माशरे में फैलाइए नहीं लोगों से बतलाइए नहीं कि फला के अंदर ये ऐब है इसी तरीके से कभी आपने देख लिया कि आपका भाई कोई गलत काम कर रहा है गुनाह का काम कर रहा है और उस गुनाह का ताल्लुक समाज और माशरे से नहीं है बल्कि उसकी जात से है अब आपको ऐसा नहीं करना है कि लोगों को बताएं कि वो शख्स वो गुनाह कर रहा था मसलन आप कहीं रास्ते में जा रहे थे और कोई शख्स है और उसके हाथ में ये मोबाइल है और इसके अंदर वो शख्स कोई गलत वीडियो देख रहा है आपने देख लिया कि मोबाइल के अंदर ये शख्स क्या देख रहा है गलत गलत चीज़ें देख रहा है अब आप क्या करो लोगों को बताओ कि वो अपने मोबाइल के अंदर ये ये चीज़ें देखता है गलत बात है अगर आप वाक़ता उसके खैर खां हैं तो उसे अकेले में ले जा करके तनहाई में ले जा करके समझा दीजिए लेकिन अगर वो शख्स कोई ऐसा काम कर रहा है कोई ऐसा गुनाह कर रहा है गलती कर रहा है जिसका ताल्लुक समाज और माशरे से है फिर ऐसी शक्ल में उसको एलानिया तौर पर आगाह कीजिए समझाइए वो कैसे मसलन एक शख्स है और बैतुल माल का वो जिम्मेदार है और आपको कहीं से मालूम हो गया कि यह शख्स जो माल है इसके अंदर खयानत कर रहा है अब इसका ताल्लुक किससे है समाज से है लोगों के हकूक से है आपको मालूम हुआ पूरा यकीन है अब आप उसके जो और अरकिन हैं, जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों को बैठाइए उसके बारे में बतलाइए कि यह शख्स क्या कर रहा है बैतुल माल में खयानत कर रहा है इस वजह से इसकी और इसे यहां से निकालिए तो इस तरीके की चीजों पे इस तरह के हमें रवैया अख्तियार करना है आखिरी बात वाहफी आउन अखी। चौथी बात इस हदीस से यह मालूम होती है हमें अपने भाई के हेल्प करें ताउन करें जब तक हम अपने भाई के लिए ताउन पेश करेंगे मदद करेंगे उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमारी मदद करेगा किसी भी शक्ल में हो मदद रुपए की शक्ल में हो या फिर इलाज की शक्ल में हो किताब की शक्ल में हो कोई भी शक्ल हो खैर की उसमें हमें ताउन करना चाहिए अपने भाइयों का उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि ऊपर से अल्लाह रब्लम हमारा ताउन करेगा अल्लाह रब्लम से दुआ है आलमीन तू हमें किताब और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और अपने जिंदगी के हर मामले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा और आइडियल मानने की तौफीक दे और जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल ईमान हो वालक वरहि वरक ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक खैरन